अच्छा आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर विजन। जब कंप्यूटर विजन का नाम जहन में आता है ना तो कंप्यूटर सबको पता है कंप्यूटर क्या है। विजन से क्या मुराद है यहाँ पे? विजन से मुराद ये है कि हर वो चीज जिसका ताल्लुक विजुअलाइजेशन से, ठीक है, यानी इसमें क्या आएगा, इसमें इमेजेस आ जाएंगी, ठीक है। CNN में भी हमने इमेजेस पढ़ी है, यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, लेकिन वो एक एल्गोरिदम है। कंप्यूटर विजन एक पूरी फील्ड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इमेज प्रोसेसिंग कर रहे हैं, यानी इमेज के साथ कुछ हम खेल रहे हैं देखा जाए तो, और साथ में वीडियोस भी आ जाती हैं। ये वीडियोस यानी जितने भी आसान से अल्फाज में मैं आपको समझाऊँ ना, आज के दौर में जितने भी आपके जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं रिगार्डिंग इमेज एडिटिंग, यानी फोटोशॉप हो गया और जितनी भी सारी मल्टीपल आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप्स हैं, इवन के जो आपकी जो एंड्रॉयड की ऐप्स बन रही हैं उसमें ना इनके एल्गोरिदम यूज़ किए जा रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पे एक पिक्चर है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है या उसको फ्लिप करना है, उसको रोटेट करना है या फिर उसको सेव करना है, तो वो बेसिकली पीछे ना कोई एक एल्गोरिदम चल रहा होता है। तो वो बेसिकली इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विजन। वो सारी चीज़ें किसकी उसमें आती हैं, फील्ड में आती हैं, कंप्यूटर विजन की फील्ड में आती हैं। इसी तरह से वीडियो की बात करें तो वीडियो में जो भी कुछ हो रहा है, वीडियो एडिटिंग हो रही है, वीडियो में कोई भी आपकी रिकॉग्निशन हो रही है, डिटेक्शन हो रही है, या फर्स्ट करो आपके पास कोई आप मोस्टली होता है क्या है, आपके पास जो ये जो होती है ना मोटरवे होती है, मोटरवे पे से गाड़ियां गुजर रही हैं, वो अक्सर लिखा होता है कैमरे की आंख आपको देख रही है। वो कैमरे की आंख क्या है? वो पीछे कंप्यूटर विजन है बेसिकली, कि वो कैमरा लगा हुआ है, वो स्पीड चेक करनी है उसने, तो वो स्पीड चेक करेगा गाड़ी कितनी तेजी से गुजरी है वहां से, या नंबर ऑफ कार्स कितनी गुजर रही है इस जो है टोल प्लाजा से या जो भी कुछ है। तो वो डिटेक्शन जो है बेसिकली थ्रू किसके जरिए हो रही है, कंप्यूटर विजन के जरिए हो रही है। कंप्यूटर विजन एक फील्ड है और इसके अंदर जो लाइब्रेरी यूज होती है वो काफी सारी है। हम बात करेंगे ओपन सीवी की, यानी ओपन जैसे उसका नाम है और सीवी से मुराद है कंप्यूटर विजन। तो ये एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी बेसिकली जब बनी थी ना, ये बनी थी सन 2000 में बनी थी और इसको इंटेल ने बनाया था, ठीक है, और इनिशियली बनी थी ये C++ में। तो जो ओपन सीवी की लाइब्रेरी है ये सिर्फ पाइथन तक महदूद नहीं है, जैसे बाकी लाइब्रेरीज नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब ये सारी पाइथन तक महदूद है। ये वाहिद लाइब्रेरी है जो कि C++ में भी होती है, जावा में भी होती है और पाइथन में भी होती है, ठीक है। और यही चीज़ आज जो मैंने आपको छोटी सी एक कहानी सुनाई है यहाँ बेसिकली एक प्रॉपर वे में लिखी हुई है कि कंप्यूटर विजन होता क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, द इमेजेस एंड वीडियोस, मतलब इमेजेस और वीडियोस में हाउ दे आर स्टोर्ड, मैनिपुलेट, रिट्रीव डाटा फ्रॉम देम। और इसको AI की फील्ड भी कह सकते हैं क्योंकि आगे जाके मिसाल के तौर पे हमने इमेजेस को रीड किया है, उसके आगे मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम लगा सकते हैं, या पहले से हमारे पास तस्वीरें हैं उस पर हम मशीन लर्निंग का या डीप लर्निंग का एल्गोरिदम लगा सकते हैं। तो ये मशीन लर्निंग की ही अब एक टाइप हो गई है। और इसके जरिए जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आज के दौर में हो रहा है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मतलब जो इसमें आपके पास ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर लेस कह लो, मतलब खुद ही वो आपको पहुँचा रही है एक जगह से, तो उसकी फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा आज के दौर में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। एप्लीकेशंस में लिखा हुआ मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, रोबोटिक्स काफ़ी यूज़ हो रहा है, और फोटो और वीडियो एडिटिंग ऐप्स जितनी बन रही हैं चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड है या किसी भी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। अच्छा, अब ये तो हुई एक फील्ड कंप्यूटर विजन, इसका समझ आया कि ये किस बारे में है, ठीक है। अब इसके अंदर जो लाइब्रेरी यूज होगी, यानी इसके जितने ऑपरेशन हमने परफॉर्म करने हैं वो एक लाइब्रेरी के जरिए करने हैं, उसका नाम है ओपन सीवी। और क्या है ये? ओपन सोर्स है, यानी फ्री है। ओपन सोर्स लाइब्रेरी है फॉर कंप्यूटर विजन के लिए, मशीन लर्निंग एंड इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। और मेजर रोल इसका क्या है? रियल टाइम ऑपरेशंस को चेक करना। रियल टाइम का क्या मतलब है? यानी जो लाइव आपके पास रिकॉर्डिंग हो रही होती है, लाइव वीडियो चल रही होती है, उस चीज को रियल टाइम पे काम हो रहा होता है बेसिकली। तो रियल टाइम से मुराद यहाँ पे है। इट हैज पाइथन में भी है, C++ में भी है, जावा में है, और सन 2000 में इंटेल ने बनाई थी। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू है कि कंप्यूटर विजन क्या है, बेसिकली एक फील्ड है, और इस फील्ड में जो लाइब्रेरी जिसके जरिए काम ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वो किसके जरिए हो रहे हैं? ओपन सीवी के जरिए हो रहे हैं। तो इंस्टॉल आपको ऑलरेडी आपने की हुई है पहले से, और दोबारा एक दफ़ा देख लो कि इंस्टॉल करना है पिप इंस्टॉल ओपन सीवी डैश पाइथन। क्यों? क्योंकि ये C++ में भी है, ठीक है, जावा में भी है, तो इसीलिए पाइथन की यूज़ करनी है। तो हम डैश पाइथन करके लिखेंगे तो हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगी। अभी तक इसके 4 वर्जन आ चुके हैं, ओपन सीवी 1, 2, 3, 4, यानी अगर आप ओपन सीवी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे ना, उसका वर्जन चेक करोगे तो ये 4.8 वर्जन अभी लेटेस्ट आया हुआ है इसका, ठीक है। और अब फीचर्स कौन कौन से हैं? मैंने पहले बताया कि इमेज प्रोसेसिंग हो रही है। इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है?
यानी इमेज के साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जैसे कि हमने उसको रीड करना है, राइट करना है, उसको सेव करना है, उसको फ्लिप करना है, और उसके साथ जो है वो कटिंग है, स्लाइसिंग है, वो सारे काम जो नंपाई में हम कर रहे होते थे वो इसमें भी होते हैं। और इसके अलावा फेस डिटेक्शन, यानी नॉर्मली जो है वो रिसेंटली अहमद ने ग्रुप में एक पिक्चर शेयर की थी कि ये बंदा बैठा है, ये फेस और पीछे भी कोई एक बंदा नजर आ रहा था, वो काम आपके आपके साथ आज भी होगा, तो डरना नहीं है, तो यहाँ कोई भूत नहीं है। वो बाज़ दफ़ा 100% एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है। वो क्या करता है, वो समटाइम्स कहीं और भी रेक्टेंगल बना देता है कि यहाँ भी कोई बंदा है, वो रियल में कोई होता नहीं है, ठीक है। नहीं, वो भूत नहीं होते ऑब्वियसली, आपको मैंने पिक्चर्स दिए ना, तो उस पिक्चर में हो सकता है वो कहीं और रेक्टेंगल बना देगा कि यहाँ भी कोई बंदा है, लेकिन रियल में कोई इस क्लास में भूत थोड़ी है हमारे साथ। तो वो ये होता है, ये एक्यूरेसी का मसला है कि 100% एक्यूरेसी नहीं होती, तो जिसकी वजह से समटाइम्स वो कहीं और भी कोई फेस डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और फेस डिटेक्शन में इसकी यूजेज होती है ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सर्विलियंस। मिसाल के तौर पे कहीं आग लग जाती है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरे ने आग का जो एक फीचर है कि वो येलो सी होती है, येलो और कह लो कि ब्लू सी होती है, तो वो फीचर डिटेक्ट करेगा कि हाँ जी यहाँ पे कोई ब्लू और जो है ना वो येलो किस्म का कुछ ना एक अचानक से कोई चीज़ सामने आई है, तो वो उसको डिटेक्ट करेगा और अलार्म बजा देगा। और अलार्म नहीं बजाएगा तो साथ साथ अगर एक्स्ट्रा उसमें कुछ फीचर ऐड करना है तो वो किसी मैनेजर को, जो उस कंपनी का मैनेजर होगा, उसको व्हाट्सएप भी कर सकता है। तो ये एक बाकायदा प्रोजेक्ट है, और लास्ट टाइम भी यहाँ पे मिनहाज में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पर किसी ने किया है ये ऑलरेडी, कि फायर डिटेक्शन यूजिंग कंप्यूटर विजन और आगे ब्रैकेट में ओपन सी, ये कल करेंगे हम प्रॉपर, ठीक है। और हम इतना करेंगे कि फायर डिटेक्ट होगी और अलार्म बज जाएगा जो फायर का होता है, ठीक है। और यानी ये तो क्या चीज हो गई, इंस्पेक्शन हो गई, सर्विलियंस भी कह सकते हो कैमरे के तौर पर, यानी मिसाल के तौर पर जो आपका ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वहां पे जो अक्सर हादसा हो जाते हैं उसको रिड्यूस करने के लिए सर्विलियंस के तौर पे भी यूज हो रही है। रोबोटिक्स में यूज हो रही है, क्योंकि रोबोटिक्स में जो आंखें लगी होती हैं उसमें बेसिकली वो कंप्यूटर विजन आपकी इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। और ड्राइवरलेस कार, ठीक है, उसमें नॉर्मली यही चीज़ चल रही होती है कि वो क्या करते हैं, उसमें सारे ऐड कर देते हैं मॉड्यूल के, बेसिकली ये आपके सामने कोई दरख्त आ रहा है या कोई चीज़ आ रही है, या अगर सिग्नल आपका रेड हो चुका है तो आपने उस कैमरे के जरिए वो देखता है, वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये रेड सिग्नल पे मुझे रुकना है, तो वो रुक जाती है कार, और यहाँ से मूव करना है डिपेंड अपॉन GPS आपका जो है एज ए API काम कर रहा होगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, और देखो एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी पर डिपेंड भी करती है, जैसे कि हमने जब नंपाई के साथ हमने बाद में पांडास को भी यूज़ किया मैटप्लॉटलिब सीबॉन पे, सीबॉन जो है वो मैटप्लॉटलिब पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिपेंड करती है, इसका MCQs भी आया था आपको। तो इसी तरह से जो आपकी जो ओपन CV है वो नंपाई पे बहुत डिपेंड करती है, ठीक है, और इस चीज़ को जहन में रखना है आपने। और इसके बाद डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, आगे समझ आ जाएगी आपको कि आगे करना क्या है आपने। नंपाई को इम्पोर्ट करना है, CV को इम्पोर्ट करना ऑलरेडी आता है आपको, दोबारा बता देता हूँ कि इम्पोर्ट CV2, ठीक है, ये इसका सेकंड वर्जन है, तो इसलिए CV2 as CV, ठीक है। और उसके बाद अब कुछ ऑपरेशंस हैं, यानी कुछ इमेज प्रोसेसिंग की बातें हो रही हैं यहाँ पे, कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। जैसे पहला ऑपरेशन है हमारे पास इमेज को नंपाई अरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपको मैंने इमेजेस दे रखी हैं, आप रैंडमली कोई सी भी यूज़ करो, ठीक है, चाहे वो कलर हो या कोई सी भी हो। तो यहाँ पे एक पिक्चर है, ये वाली पिक्चर भी मैंने आपको दी है, जिसमें दो बॉक्सेस जो हैं वो वाइट के हैं और दो बॉक्सेस जो हैं वो ब्लैक के हैं, ये पिक्चर मैंने आपको दिए ग्रुप में। तो इस पिक्चर को नंपाई अरे में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल क्या तरीका है आपके पास, आप एक बनाओगे वेरिएबल, नाम रख लो उसका, मैंने img नाम रखा है यहाँ पे, और cv.imread, ठीक है, इस कमांड के जरिए, और आगे ब्रैकेट में यानी पैरेंथेसिस में क्या दोगे, उस पिक्चर का नाम या फिर पाथ अगर वो किसी और फोल्डर में है, ठीक है। और .jpg देख लेना कि जो आपकी जो इमेज है वो किस फॉर्मेट में है, JPG फॉर्मेट में है, PNG फॉर्मेट में है या किसी और फॉर्मेट में है, तो ये चेक करना आता है ना सबको, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके चेक करते हैं। और उसके बाद आगे ये जीरो लगाना आपकी मर्जी है, अगर जीरो लगाओगे तो पिक्चर जो है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर जीरो नहीं लगाओगे यही ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो वो RGB में रहेगी, ठीक है, यानी जो उसकी कलर फॉर्म जो है। तो अब क्या करना क्या है, सिंपल इस इमेज को प्रिंट करोगे ना तो आपके सामने एक बड़ी सी नंपाई अरे आएगी जितना आपकी पिक्चर का साइज है। मैंने दो पिक्चर दी है इस तरह की आपको, एक है जिसका साइज 16x16 का है, तो थोड़ी सी ब्लर आपको शो हो रही होगी ग्रुप में, वो 16x16 की है, और जो दूसरी दी है वो है 750x750 पिक्सल्स की, दो पिक्चर्स दी हैं। तो ये बेसिकली आप इसका शेप भी चेक कर सकते हो कि शेप क्या है, ये चीज़ हमने पहले भी देखी है, आज हम CV के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
तो इसका आप शेप भी चेक कर सकते हो और आप इसको कन्वर्ट भी देख सकते हो कि यहाँ पे एक अरे उसने शो करवाई है और उस अरे में सिर्फ दो ही नंबर हैं, या तो 255 है या 0 है। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो वाइट कलर होता है ना उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू रूल, आरजीबी रूल जो मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि हर कलर की एक कोई ना कोई वैल्यू होती है, उसके मुताबिक 255 है और जहाँ ब्लैक है उसकी क्या है 0। तो इस तरह की जो अरे आपके सामने शो हो रही होगी ना, तो ये बेसिकली आपके पास 750 रोज होंगी, 750 कॉलम्स होंगे और इतने ही जो है वो 255 के हिसाब से आपको सेट करवाएगा। इसलिए मैंने दो पिक्चर दी है, एक 16x16 की ताकि वहां समझ आ जाए कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, और एक जो है मैंने बड़ी पिक्चर दी है आपको जो कि वो बीच में से आधी लाइंस वो डॉट डॉट के साथ कर देता है और वो पूरी पिक्चर की क्या होती है आगे अरे में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, चीज समझ आई है? ये पहला ऑपरेशन था। अच्छा, और दूसरा ऑपरेशन है इमेज को रीड करना यूजिंग सीवी, कि हमने एक इमेज है उसको रीड कैसे करना है। तो रीड करने के लिए आप क्या बनाओगे, सिंपल एक बनाओगे वेरिएबल, कोई भी नाम रख देना, मैंने img2 का नाम रखा है cv.imread, ठीक है, और ब्रैकेट में उस पिक्चर का नाम या फिर पाथ, ठीक है, और उसके बाद उस पिक्चर को आप आगे दोबारा cv.imshow, और ये बेसिकली जो देना है ना आपने उस विंडो का नाम देना। अच्छा, असल में यहाँ पे आउटपुट जो आएगी ना, एक बात ध्यान में रखो, सीवी में जो आउटपुट आएगी वो नीचे नहीं आएगी, आउटपुट के जैसे हम करते हैं ना इनपुट हमारी लाइन होती है, आउटपुट नीचे आ जाती है। इसमें क्या होगा, एक नई विंडो ओपन होगी, ठीक है, तो उस विंडो का नाम रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी नाम रख दो, मैंने यहाँ पे वो मैन वाली पिक्चर ली है और उसमें मैंने उसका नाम रख दिया पर्सन, विंडो का नाम रखा है जो विंडो नई खुलेगी, और यहाँ पे कॉमा दे के आगे इसका रेफरेंस दे दिया जो मैंने वेरिएबल यहाँ बनाया था। तो अब आगे दो लाइनें और होती हैं सीवी डॉट वेट की, आगे ब्रैकेट में 0। ये किस लिए होता है कि बेसिकली हम क्या करते हैं, जब नई विंडो ओपन होगी ना तो उसको क्लोज भी तो करना है, नहीं तो प्रोग्राम चलता रहेगा। उसको क्लोज करने के लिए हम इस कैप का बटन दबाते हैं जो सबसे कीबोर्ड में आखिर वाला होता है ना। तो ये बेसिकली दो काम हमने इसलिए किए हैं कि सीवी डॉट वेट की और सीवी डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको एस्केप की बटन दबानी होगी जब नई विंडो आपके सामने खुलेगी ना, तो जब जैसे ही आपने अब ये यहाँ पे क्या कर रहे हो, इमेज को रीड कर रहे हो, यानी आपको वो शो करवा रहा है कि इमेज है क्या। तो जैसे ही इमेज को रीड करोगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन होगी, उस नई विंडो का नाम होगा जो आपने खुद रखा है, और आखिर में ब्रैकेट में क्या होगा, एक छोटा सा क्रॉस का बटन होगा। इस क्रॉस के बटन को भी दबा सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है कि वो जो आखिर में कीबोर्ड में एस्केप की होती है वो दबाओगे तो वो क्या करेगा, आपके सिस्टम से बाहर आ जाएगा, ठीक है, और आपका जो प्रोग्राम रनिंग हालत में होगा, जो आप नॉर्मली इस तरह से आश्चर्य का साइन आ रहा होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली कंप्यूटर विजन में जो आपके पास आउटपुट्स आ रही हो उसमें विंडो साइड पे ओपन होगी या नीचे जो आपका टास्क बार है उसमें ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, अगला है इमेज राइट, यानी अब हमने इमेज को रीड किया है, कोई इमेज हमने खुद से बनाई है या उसको सेव करना है, उसको सेव करने का तरीका क्या है, आपके पास cv.imwrite की कमांड है और ब्रैकेट में आप जिस नाम से सेव करनी है वो नाम दोगे, फॉर्मेट दोगे और आगे उसका रेफरेंस दोगे जो इमेज आपने सेव करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने इसी पिक्चर का रेफरेंस दिया है im2, तो ताकि ये मुझे सेव कर दे किसी और नाम के साथ किसी और जगह पे। तो यहाँ पे पाथ दे सकते हो, कोई और कहीं और आपने सेव करनी है। नॉर्मली जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी यहाँ से किया किसी और फोल्डर में पेस्ट कर दिया, तो वही काम यूजिंग कंप्यूटर विजन भी हो सकता है, ठीक है। या फिर अगर आपने खुद से कोई पिक्चर बनाई है तो उसको भी सेव कर सकते हैं। खुद से पिक्चर बनाने का कॉन्सेप्ट आगे देखते हैं अभी। ये समझ आया? तो जैसे ही वो सेव हो जाएगी आपके पास, तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा ट्रू कि ये मैंने इस पाथ पे, इस जगह पे ये जो फाइल है वो सेव कर दी, ठीक है। अब इसके अलावा एक और ऑपरेशन है हमारे पास, इमेज रिसाइज। इमेज बहुत बड़ी है, उसको रिसाइज करना है, छोटा या बड़ा। तो रिसाइज करने के लिए क्या करते हैं, आप क्या करोगे, पहले आपके पास कोई पिक्चर होगी, उसको रीड करोगे, उसको एक नाम दोगे, फिर एक और बनाओगे वेरिएबल रीसाइज का, cv.resize, और यहाँ पर रेफरेंस दोगे इस इमेज का जिसको आपने रीसाइज करना है, और आगे कॉमा डाल के एक आपने आर्गुमेंट पास करना होता है जिसमें हाइट और विड्थ की ऑप्शन देनी होती है कि मेरे पास लेट से जो पिक्चर मैंने आपको जो दी है ना, मैन वाली या लेडी वाली, उसमें वो 512x512 की है, ठीक है, उसको रिड्यूस करना है मैंने, और नया साइज मैंने यहाँ पे दिया है 256x256, या अपनी मर्जी से 128 भी दे सकते हो, 64 भी दे सकते हो, जो आप जिस उसको आपने जितना रिसाइज करना है उसको, ठीक है। तो इस तरह से पिक्चर रिसाइज होती है। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों मुझे ओरिजिनल पिक्चर भी शो हो
और जो रिसाइज हुई है वो भी शो हो, तो कैसे होगी? मैं क्या करूंगा, पहले आई एम शो लिखूंगा, पिक्चर क्या है बेसिकली यहाँ पे उस विंडो का नाम, और यहाँ पे पहले रेफरेंस दिया मैंने इस इमेज का, उसके बाद आगे देखो फिर मैंने एक और विंडो का नाम दिया है रीसाइज पिक्चर, और यहाँ पे रीसाइज का रेफरेंस दे दिया, और उसके बाद वही दोनों लाइनें वेट की और ऑल डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, तो दो आपके सामने विंडो ओपन होंगी, एक वो पिक्चर जो ओरिजिनल है और एक वो पिक्चर जिसका इमेज रीसाइज हुआ है, तो दो नई विंडो ओपन होंगी, फिर आपने उनको उनसे बाहर आना है तो एस्केप का बटन दबा दोगे तो आप वो दोनों क्लोज हो जाएंगे, ठीक है? यहां तक समझ आया? इजी काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब एक पिक्चर को ग्रे स्केल करना है। नॉर्मली हमें अपनी पिक्चर्स को ग्रे स्केल करने का बहुत शौक है, हम करते हैं यूजिंग डिफरेंट एंड्रॉयड एप्स, तो ये काम आप ओपन सीवी से भी कर सकते हो। कि एक तरीका तो ये है कि ये वाला कि आपने इसके आगे जीरो लगाना है और अपनी पिक्चर को सेव कर लेना है, तो तब भी ग्रे स्केल हो जाती है। लेकिन एक प्रॉपर मेथड है वो ये वाला है कि आपने जो पहले इमेज है आपकी उसको आपने रीड करना है, उसको एक वेरिएबल में डाल दिया, उसके बाद ग्रे का एक बनाया वेरिएबल और सीवी में एक एट्रीब्यूट है सीवीटी कलर, सीवीटी कलर सिमॉल में, ये कैपिटल में नहीं है, और आपने यहाँ पर रेफरेंस देना है इस इमेज का जो आप करना चाहते हो, और आगे कॉमा करके आपने एक और आर्गुमेंट पास करना है सीवी डॉट कलर अंडरस्कोर और एक एट्रीब्यूट है BGR टू ग्रे। नॉर्मली जो वर्ड यूज होता है वो RGB होता है, लेकिन ये CV वाले थोड़ा सा उल्टा चलते हैं इस हिसाब से अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, तो वो BGR टू नुमेरिक टू और ग्रे, ये कैपिटल में, ये सिमॉल में नहीं है, तो ये पास करोगे तो आपकी जो ओरिजिनल इमेज है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। ग्रे स्केल का पता है ना सबको, वो थोड़ा सा एक जरा इफेक्ट आ जाता है उसमें। अब क्या करना है, हम करना चाहते हैं कि दोनों पिक्चर्स को मुझे शो करवाए, तो हम क्या करेंगे, आई एम शो लिखेंगे, पहले ओरिजिनल इमेज एक नाम रख दिया यहाँ पे, ये वाली इमेज को रेफरेंस पास कर दिया, और फिर ग्रे इमेज एक नाम रखा और ग्रे ये वाला रेफरेंस पास कर दिया। आगे ये दोनों लाइनें सेम है। अब मैं आगे जाके ये दोनों या तीनों लाइनें लिखूंगा, नहीं ये सेम होती हैं सबकी। तो जब आप इसको रन करोगे ना, तो रन करने के बाद आपके सामने दो विंडो ओपन होंगी, एक ओरिजिनल इमेज होगी और एक ग्रे स्केल की, ठीक है? तो ये पांचवा ऑपरेशन हो गया। छठा ऑपरेशन क्या है, इमेज को ब्लर करना, ठीक है? ब्लर मतलब कोई स्पेसिफिक पार्ट को ब्लर करना, मतलब पूरी पिक्चर को ब्लर नहीं करना। मैंने लेट से मैं कोई किसी को पिक्चर भेजना चाहता हूँ, मेरे हाथ में कोई वॉलेट है, उस वॉलेट पे कोई लोगो है, मैं वो लोगो जो है वो ब्लर करना चाहता हूँ, या मैं अपना फेस ही ब्लर करना चाहता हूँ, ठीक है? कोई मैंने किसी को पिक्चर भेजनी है, नॉर्मली आप ये काम वो इमोजी लगा रहे होते हो ना जब व्हाट्सएप पे कोई चीज़ शेयर करते हो या स्नैपचैट पे, तो ब्लर कर दो, सिंपल ब्लर भी कर सकते हो। तो ब्लर करने को बेसिकली जो सीवी में कहते हैं गॉजियन ब्लर, उसका नाम है, और इसके एल्गोरिदम में नहीं पढ़ते हम, वो पूरी थ्योरी मैथ में पढ़ना, सिंपल एक नाम है। जब सीवी में इमेज को ब्लर करना है तो वो इमल जो आप पिक्चर जो ब्लर होगी वो होगी यूजिंग गॉजियन ब्लर। रियल लाइफ में भी यही होता है, जो अगर आपकी एप्स वगैरह जो होती हैं उसमें जो आप ब्लर कर रहे होते हैं ना, उसके पीछे एल्गोरिदम यही वाला चल रहा होता है। तो याद आया वो 12वीं क्लास में गॉजियन एनालिसिस क्यों पढ़ा था, वो इसलिए पढ़ा था। अच्छा, अब करना क्या है, सबसे पहले पिक्चर को रीड करेंगे, ऑब्वियसली सबसे पहला स्टेप तो यही होगा, उसको हमने एक वेरिएबल का नाम दिया इमेज 5, आगे ब्लर का एक बनाया वेरिएबल और सीवी डॉट गॉजियन ब्लर एक आपका एट्रीब्यूट है, जी बड़ा है बी बड़ा है, ठीक है? और इमेज का रेफरेंस दे दिया, और आगे ये एक कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं आपकी। अगर पिक्चर लेट से 512 बाय 512 की है तो आपका इमेज उससे अंदाजा लगा लो कि बिल्कुल सेंटर में आ रहा है या लेफ्ट पे आ रहा है, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स देने होते हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। दो तीन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आप दोगे ना, लेट से मैंने यहाँ 35 बाय 35 दिया है, तो ये मेरी वो पिक्चर जो मैंने आपको लेडी वाली पिक्चर ग्रुप में भेजी है रेड वाली, उसमें एग्जैक्टली उसका जो फेस है वो सेंटर में आ रहा है पिक्चर के, तो उसका जो कर्नल का साइज होगा वो क्या होगा, 35 बाय 35, ठीक है? यानी एक स्क्वायर ब्लर। और आगे जीरो क्या है कि वो जो एक ब्लर की एक्स्ट्रा जो लेयर आ रही है वो ग्रे फॉर्म में होगी। समटाइम्स जो ब्लर होता है वो रेड फॉर्म में भी होता है और ब्लू फॉर्म में भी होता है, हमने जो ब्लर करना है वो जरा ग्रे स्केल फॉर्म में देना है, वो उसकी लेयर का कॉन्सेप्ट। और ये क्या है, कर्नल का साइज, कि हमने 35 बाय 35 बेसिकली लेट से ये वाली इमेज है मेरे पास और ये 512 बाय 512 की है, और वो जो लेडी वाली पिक्चर मैंने ग्रुप में सेंड की है उसका जो फेस है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो अगर आप दो तीन यहाँ पे आर्गुमेंट पास करो ना तो आपको वहीं से अंदाजा हो जाएगा कि वो बिल्कुल कर्नल का साइज क्या होना चाहिए। अगर फर्ज करो मैं ये वैल्यू बढ़ा देता हूँ, मैं कहता हूँ 55 बाय 55, तो वो ये है कि थोड़ा सा उसका जो है वो ज्यादा एरिया जो है ब्लर हो जाएगा। यानी अगर आपने वैल्यू बढ़ा दी है, एक बात का बस ख्याल रखना, ये वैल्यू इवन में नहीं होनी चाहिए,
ऑड में हमेशा होनी चाहिए। लेट से 30-30 नहीं कर सकते, वो एरर आ जाएगा आपको, ठीक है। 35 कर सकते हो, 25-25 कर सकते हो, 45-45 कर सकते हो, 5x5 कर सकते हो अगर छोटा सा पार्टी ब्लर करना है तो। इस चीज़ का बस ख्याल रखना है आपने, ठीक है। ये किसमें नहीं होनी चाहिए, इवन में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने पिक्चर को शो करवाना है तो आप आई एम शो और जो ब्लर पिक्चर आपने बनाई है उसको आप शो करवाओ तो नई विंडो ओपन होगी, पीछे आपकी इमेज होगी और आगे कुछ इसका पार्ट ब्लर हुआ हुआ होगा, ठीक है। समझ आया इमेज को ब्लर करना? हाँ जी, ब्लर कहाँ यूज होता है ये आपको कुछ नहीं से। नहीं नहीं, पिक्चर में कोई पार्ट ब्लर करना है। समटाइम्स ना जब होता ही है ना कि, या तो रियल लाइफ में भी होता है कि अक्सर जब हम मूवीज देख रहे होते हैं ना, चाहे वो इंडिया की हो, तो वो जो सिगरेट वाला पार्ट होता है उसको ब्लर कर दिया जाता है। ब्लर आप कोई भी चीज़ कर सकते हो। नॉर्मली हमने जब वीडियो प्रोसेसिंग करनी है ना, उसमें यार देखो होता पता क्या है, पहले तो ये चीज़ आप समझो कि कंप्यूटर विजन यूज़ कहाँ हो रही है, इमेज प्रोसेसिंग में यूज़ हो रही है और वीडियो प्रोसेसिंग में। नॉर्मली ये होता है कि जब आप किसी ऑथेंटिक जगह पे, मैंने जो आपको सिगरेट वाली मिसाल दी, नॉर्मली पिक्चर्स में क्या करते हैं वो जो सिगरेट वाला पार्ट है ना वो ब्लर कर देते हैं। वो ब्लर बेसिकली आजकल तो ऐप्स आ गई हैं, तो वो जो ऐप्स हैं वो क्या करेंगी, वो अपना इफेक्ट यूज़ करेंगी, पीछे ये चीज़ चल रही होती है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर अगर आपका कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें आप इस इफेक्ट को शो करवाना चाह रहे हो यूजिंग, जैसे मिसाल के तौर पे आज हमने जो प्रोजेक्ट करना है ना वो हमने फेस डिटेक्शन करनी है यूजिंग रेक्टेंगल, आप फेस डिटेक्शन यूजिंग ब्लर भी कर सकते हो कि भाई यहाँ पे फेस था, या फिर यहाँ पे कोई जो है वो ऐसी चीज़ है, कोई घड़ी पहनी हुई है जिसपे मोनोग्राम है, क्योंकि मोनोग्राम जो है वो क्या होते हैं, कॉपी राइटेड होते हैं, जो नॉर्मली घड़ी पे होते हैं या वॉलेट वगैरह पे होते हैं, या अगर आपने कोई जीन्स पहनी है तो उस पर जो आपके जो लोगो होता है ना, तो लोगो बेसिकली किसी कंपनी का कॉपीराइट होता है, तो वो अगर आप किसी पब्लिशिंग इदारे में यूज़ कर रहे हो तो वो इजाज़त नहीं होती, नहीं तो कॉपीराइट आपके ऊपर आ सकता है या कोई केस हो सकता है। तो उन चीज़ों को ब्लर किया जाता है जब आप कोई ऑफिशियल जगह पे वो पिक्चर दे रहे हो, तो ये चीज़ें ज़रा ख्याल रखो। हम पाकिस्तानी नहीं कर रहे होते इन चीज़ों में, हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना तो हम नॉर्मली लोगो ऐसे यूज़ कर रहे होते हैं। बहुत से लोगों को मैंने सीवी पे लोगो यूज़ करते हुए देखा है कि मुझे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट किया, आगे माइक्रोसॉफ्ट का लोगो लगा दिया। वो बेसिकली ऑफिशियल नहीं है, वो गलत है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का जो लोगो है आप सीवी पे नहीं लगा सकते, क्योंकि वो किसी और का ट्रेडमार्क है, किसी और का कॉपीराइट है उस पर। अगर यही चीज़ बाहर मुल्क में करो तो आपके ऊपर केस हो सकता है कि इसने अपनी सीवी में माइक्रोसॉफ्ट का लोगो क्यों यूज़ किया या किसी और कंपनी का। तो ये चीज़ें ज़रा ना, इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो सम टाइम वहाँ पर वो चीज़ें ब्लर कर दी जाती हैं या फिर लोग नॉर्मली यूज़ ही नहीं करते। अगर वो यूज़ करना ज़रूरी है और प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है तो उस चीज़ को ब्लर कर दिया जाता है। तो ब्लर हम वैसे नॉर्मली आसानी तरीके से कर लेते हैं, आजकल ऐप्स वगैरह आ गई हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये गॉसियन ब्लर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्या है आपके पास, जो एक नया ऑपरेशन है, इमेज फ्लिप। फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट भी वही है कि आपने पिक्चर को ज़रा फ्लिप करना हो, घुमाना हो किसी एंगल के तहत या किसी पॉइंट के तहत। तो फ्लिप करने का तरीका क्या है कि आप पहले, सबसे पहले इमेज को रीड करोगे, रीड करने के बाद cv.flip की कमांड है, आपका जो आपने इमेज को बनाया है वो आ जाएगा, उसका रेफरेंस, और आगे वैल्यू देनी होती है 0, -1, 1 या फिर इस तरह से। -1 के केस में आपकी जो पिक्चर सीधी है वो बिल्कुल एग्जैक्टली टेढ़ी हो जाएगी, यानी लेट्स से कि अगर आपका फेस अपसाइड है तो वो डाउन साइड पे आ जाएगा, अब 1 करोगे तो वो किसी एंगल पे इस तरह रोटेट हो जाएगी। तो इस तरह से 3-4 वैल्यू यहाँ पास करके देखना तो आपको समझ आएगा कि वो किस तरह से जो है वो आपको इमेज को फ्लिप कर रहा है। फ्लिप का कॉन्सेप्ट पता है ना, फ्लिप क्या होता है, इमेज को किसी जगह पे रोटेट कर देना कि वो उसको उल्टा करना है या सीधा करना है। तो ये चीज होती है, समटाइम हम फोटो लेते हैं ना मोबाइल से तो वो जरा इस तरह से लैंडस्केप में आ रही होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, रोटेशन का साइन इस तरह से होता है अक्सर ना, तो ये फ्लिपिंग ही है बेसिकली। अच्छा, आगे चलते हैं, ड्राइंग ऑन इमेज, यानी पिक्चर पे कोई ड्राइंग बनानी है। इस केस में मैंने रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं? अच्छा, इमेज हम खुद भी बना सकते हैं। मैं कहता हूँ मुझे एक 512x512 की एक ब्लैक इमेज चाहिए, तो मैं किस तरह बनाऊंगा वो? नॉर्मली हम क्या करेंगे, हम फोटोशॉप से ही काम कर सकते हैं, ठीक है, या पावर पॉइंट से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे करना है तो कैसे करेंगे? मैं बनाऊंगा एक वेरिएबल, उसमें मैंने, अब यहाँ देखो numpy यूज हो रही है, numpy.zeros, जीरोस का मतलब है ब्लैक इमेज बन रही है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ बताया था कि यहाँ पे ब्लैक का क्या है, जीरो यूज हो रहा है, तो ब्लैक इमेज बन रही है। साइज दिया 512x512, 3 यूज करना है तो मर्जी है, नहीं तो ये आपको बता रहा है सिंपल इसका RGB करना वो कितना होगा, ठीक है।
तो ये आपकी बन गई एक ब्लैक इमेज। अब क्या करना है, अब मैंने एक और बनाया वेरिएबल सीवी डॉट रेक्टेंगल, क्योंकि मैं उस पिक्चर में, उस ब्लैक पिक्चर में एक रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो रेक्टेंगल की कमांड यूज करूंगा और आगे उस पिक्चर का रेफरेंस जो मैंने पहले बनाई है, और आगे मैंने दो पॉइंट्स देते हैं, स्टार्ट पॉइंट देना है और एंड पॉइंट देना है। ये बेसिकली इसकी हाइट और विड्थ है। स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 200 है, तो ये बेसिकली इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और इसकी हाइट कितनी रखनी है और विड्थ कितनी रखनी है, तो वो उस हिसाब से। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट, इसको कम ज्यादा कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा रेक्टेंगल बड़ा बनाना है तो आप स्टार्टिंग पॉइंट दो, आगे 400x400 दे दो, थोड़ा बड़े साइज का बन जाएगा वो। ठीक है, और उसके बाद ये बेसिकली आपका BGR कर्नल है, यानी मिसाल के तौर पे तीन वैल्यूज ही होती है ना BGR, तो दो को पहले जीरो कर दिया और तीसरे नंबर पे कौन सा है R, ये देखो BGR, और इसकी जो एक वैल्यू होती है ये होती है 0.0.0। ठीक है, अगर तो मैं इन दोनों को जीरो रखता हूं और इसको 255 कर देता हूं, तो जो आपके रेक्टेंगल का जो कलर होगा वो क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, अगर मैं इसको जीरो रखता हूं और ग्रीन को 255 कर देता हूं, तो आपके रेक्टेंगल का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो ये इस तरह से आप अपनी मर्जी से इसका कलर सेलेक्ट कर सकते हो, और मल्टीपल भी कर सकते हो, कोई अपना नया कलर बनाना है तो वो भी कर सकते हो। वो कैसे बनाओगे, BGR इसकी वैल्यू रख दो 150, इसकी कोई वैल्यू रख दो कि 100 रख दो, या इसकी 110 रख दो, तो कोई मिक्सअप सा कलर आपके सामने आ जाएगा। ये कलर की वैल्यूज के लिए मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक चार्ट मैंने दिया था, वहाँ पे सारी चीज़ें गिवन होती हैं कि बेसिकली आपके जो कलर्स होते हैं ना, वो इन्हीं तीन बेसिक कलर से मिलकर बन रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट तो यही है ना पीछे, तो ये वजह है। अच्छा, अब ये कलर दे दिया हमने, और आगे उस रेक्टेंगल की थिकनेस मैंने 10 दी है, ताकि थोड़ी सी लाइन की थिकनेस मोटी हो, 2 दे सकते हो, 5 दे सकते हो, वो मर्जी है आपकी। तो उसके बाद अगर आपने इसको रन करना है, तो आपके सामने क्या आएगा, एक ब्लैक इमेज पहले बनाई है हमने 512x512 की, और उसमें आपके ऊपर एक रेक्टेंगल आ जाएगा, जो कि किस कलर में होगा, रेड कलर में, क्योंकि मैंने यहाँ पर रेड कलर चूज किया। ठीक है, और इसी तरह से फिर सर्कल भी बन सकते, मैंने सारे नहीं लिखे, और ऑपरेशंस भी होते हैं, सर्कल बना सकते हो, लाइन बना सकते हो, और या मुख्तलिफ किस्म की शेप्स, हेक्सागन वगैरह, पॉलीगॉन वगैरह, इस तरह की सारी शेप्स बन सकती हैं इसी कमांड के जरिए। अच्छा, अब ये कि आपके पास पिक्चर है, उस पर कोई टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट का थोड़ा सा डिफरेंट था, वो बता देता हूँ मैं आपको, कि आप एक वही पिक्चर बनाओगे ब्लैक कलर की, ठीक है, सेम। उसके बाद सीवी के अंदर बिल्ट इन फॉन्ट्स मौजूद है, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं ना, अपना फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं, जैसे कैलिब्री हो गया, एरियल हो गया, या टाइम्स न्यू रोमन हो गया, तो इसी तरह से सीवी के अंदर इसके अपने फॉन्ट्स हैं, नाम ज़रा डिफरेंट है, मुश्किल है, इसकी भी आप लिखोगे ना गूगल पे जाके सीवी, ओपन सीवी फॉन्ट्स नेम, तो नेम सारे आ जाएंगे। मैंने जो डिफॉल्ट है उसका वो यूज़ किया है, cv.font हर्षे और आगे सिंप्लेक्स, ये इसका नाम है फॉन्ट का, कि इसमें ज़रा जो फॉन्ट यूज़ हो रहे होते हैं ना, वो वाले नहीं होते जो हम वर्ड में यूज़ करते हैं, ज़रा इनके नाम ज़रा डिफरेंट है, वो आपको गूगल सारे मिल जाएंगे। तो आपने ये क्या करना है, इसका कोई फॉन्ट सेलेक्ट करना है, फॉन्ट सेलेक्ट करने के बाद cv.putText, ठीक है, यानी टेक्स्ट को पुट करने लगे, इमेज का रेफरेंस दिया, जो हमने इमेज यहाँ बनाई है, या फिर अपनी इमेज भी हो सकती है आपकी, आपका जो फेस है उसके नीचे नाम आ रहा हो कि अजहर जो भी आ रहा हो, अहमद आ रहा हो, ठीक है। और आगे जो आपने टेक्स्ट देना है उसको आप लिखोगे इन्वर्टेड कॉमा में, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, और उसका क्या है आगे कोऑर्डिनेट के कहाँ हो, वो टॉप पे हो, बॉटम पे हो, तो ये बेसिकली एक मैंने नॉर्मली अपनी मर्जी से एक वैल्यू ले ली थी कि 125 और 250, यानी बेसिकली पिक्चर के इस एज पे आ जाएगी, ये अपनी मर्जी से दे सकते हो। अगर आपके कॉर्नर पे करना है तो इस हवाले से रेफरेंस दे दो, और फॉन्ट जो फॉन्ट आपने यहाँ पे चूज किया है उसका यहाँ पे रेफरेंस दोगे। उसके बाद आपने क्या देना है, वही फॉन्ट किस कलर में होगा, यहाँ पे भी मैंने रेड कलर चूज किया है, और आगे फॉन्ट की थिकनेस, यानी कितना मतलब बोल्ड करना है उसको, नहीं करना, कितना बोल्ड करना है, 2 रखिए ताकि ज्यादा बोल्ड ना हो, नॉर्मल हो। और इसको उसके बाद जब रन करोगे, तीनों लाइन्स लिखे, ये जो तीनों लाइन्स यहाँ लिखी है मैंने, तो आपके सामने जो विंडो ओपन होगी, मेन विंडो ब्लैक होगी, उसके ऊपर क्या लिखा होगा, कंप्यूटर लिखा होगा, किस कलर में होगा, रेड में होगा, और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, वही सवाल क्यों कर रहे हैं, देखो रेक्टेंगल आगे फिर कहाँ यूज़ हो रहा है, फेस डिटेक्शन में, क्योंकि रेक्टेंगल बनाना ज़रूरी है वहाँ पे, और नॉर्मली फिर वो बाज़ दफ़ा ना थोड़ा सा उसको वैल्यू ऐड करते हैं कि यहाँ पे उसकी एज भी आ जाए, मतलब जो एक पर्सन की जो एज है कि भाई ये इतने साल का होगा, तो इस चीज़ को भी आगे ऐड कर सकते हो यहाँ पे भी। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें मैंने वो बताई हैं जो आगे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी है, ठीक है। अब इसके अलावा एक और है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन क्या होती है कि मैं खड़ा हूँ ना यहाँ पे, तो उसके एजेस,
शो हो जाए, मतलब पूरा इंसान नहीं शो हो, जस्ट उसके एजेस के ये इस तरह का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये खाली एज शो करना है, तो एज के लिए एक एट्रीब्यूट है कैनी। कैनी एक साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसको डेवलप किया था। तो आप क्या करोगे, सिंपल इमेज को रीड करोगे, उसके बाद एक बनाओगे वेरिएबल एज का सीवी डॉट कैनी, यहाँ पे इमेज का रेफरेंस जो पहले दिया आपने, और आगे उस इमेज का आपने थिकनेस और जो है वो उसको कितने उस पर लेके जाना है कि आपने ग्रे स्केल बनाना है या आपने उसको रेडिश की तरफ लेके जाना है, तो ये वो वाली वैल्यूज हैं। तो ये आप आगे पीछे करके देख सकते हो कि बेसिकली इसमें रेडनेस ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है या ब्लैक आ रहा है। ये मैंने बेसिकली ब्लैक का एक कॉम्बिनेशन बनाया था कि वो क्या करेगा, सारा पार्ट ब्लैक कर देगा और जो इमेज बंदा जो खड़ा है ना उसकी एज पे लाइंस शो हो जाएंगी। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, एक तरह से एज की डिटेक्शन के किसी पिक्चर में एजिस कहाँ पे हैं, यानी अगर आपके पिक्चर में कोई सेब है तो सेब की एजिस क्या होंगे, ये होंगे और बाकी सारा पार्ट ब्लैक हो जाएगा। तो इस चीज़ को कहते हैं एज डिटेक्शन, ठीक है, समझ आया। अच्छा, मैंने ना टोटल इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से यहाँ पे 10 पॉइंट्स लिए थे, यानी 10 ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा हैं इसके, लास्ट टाइम तो कोई हमने कोई 20-25 के करीब पढ़े थे, तो यहाँ पे अभी इतना वक्त नहीं है और इतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अव्वल तो ये टॉपिक ही नहीं है आपके सिलेबस में। तो मैं लेकिन चाह रहा था कि ये चीज़ आपको आइडिया हो क्योंकि आगे जाके बहुत यूज़ हो रही है इसको AI में भी और मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब ये सारी चीज़ को यूज़ करते हुए ना एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम है फेस डिटेक्शन ऑन इमेज यूजिंग कंप्यूटर विजन यानी ओपन सीवी, ठीक हो गया। करना क्या है, हमारे पास एक पिक्चर होगी, मैंने मुख्तलिफ पिक्चर्स दिए हैं आपको, सिंगल पर्सन की भी है, फीमेल की भी है, ग्रुप में भी है, सेल्फी भी है, मुख्तलिफ ज़रा सिनेरियोज में सारी पिक्चर्स दिए हैं, उन सब पे आप ये एल्गोरिथम चेक करोगे, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, लाइब्रेरी इम्पोर्ट होगी, लाइब्रेरी यहाँ पे एक ही काफ़ी है हमें, इम्पोर्ट CV टू SCV, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप होगा, हम मैंने आपको एक फाइल दी है .xml फाइल दी है, वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली आपके पास एक प्री ट्रेंड क्लासीफायर है कि फेस कैसा होता है, ठीक है, फेस में क्या क्या लैंडमार्क्स होते हैं, इमेज हमारी लैंडमार्क्स मतलब आईज होगी, नोज होंगे, उसके सारे फीचर्स जो होंगे ना वो पहले से कैलकुलेट करके उन्होंने एक मॉडल बना दिया है और उस मॉडल को .xml फाइल में आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है, एक कैस्केड क्लासीफायर कहलाता है, यानी उसमें पहले से फेस के लैंडमार्क सारे मौजूद हैं कि फेस कैसा होता है, ठीक है। अभी इसकी मैं आपको ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं समझा सकता क्योंकि आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझ नहीं आएगी, इसके लिए एक छोटी सी वीडियो है, वो वीडियो मैं अभी आपको शेयर करता हूँ कि जब एक पिक्चर सामने आती है ना तो वो बेसिकली ये जो क्लासीफायर है ये काम कैसे करता है, वन बाय वन पूरी इमेज को चेक करेगा और उसके बाद जहाँ पे उसको फेस मिल जाएगा ना उसके आगे कोऑर्डिनेट बना देगा और एक रेक्टेंगल शो कर देगा, ठीक है, या फिर अगर हमने रेक्टेंगल यूज़ किया तो रेक्टेंगल शो कर देगा, नहीं तो सर्कल वगैरह जो भी चीज़ें हैं, या फिर ब्लर भी कर सकते हैं उसको। तो उस बने बनाए प्री ट्रेंड क्लासीफायर को हम यहाँ यूज़ करेंगे, हमने एक बनाया वेरिएबल जिसका नाम रख दिया ट्रेन डाटा, पहले से ट्रेन हुआ हुआ है। CV में एक मॉड्यूल है कैस्केड क्लासीफायर, ठीक है, इस एट्रीब्यूट को कॉल करेंगे और उसके आगे उसका रेफरेंस दे देंगे जहाँ वो फाइल आपने सेव की है जिस फोल्डर में, ठीक है, और उस फाइल का नाम है हार कैस्केड फ्रंट फेस डिफॉल्ट, यानी इसमें फेस का डाटा है, किसी और काम के लिए नहीं यूज़ कर सकते आप इसको। लेट से अगर आपने किसी फोटो में कार डिटेक्ट करनी है कि कार कैसी होती है तो कार का क्लासीफायर अलग होगा, सही है। तो अगर फर्ज करो अगर आपने किसी फोटो में फायर की डिटेक्शन करनी है कि फायर कैसी होती है, आग कैसी होती है, तो उसका क्लासीफायर अलग होगा। तो ये पूरी क्लासीफायर सारे नेट पर फ्रीली अवेलेबल है, ठीक है, मैंने कहीं से नहीं, ये खुद नहीं बनाया, ये मैंने नेट से डाउनलोड किया है। इसको कैस्केड क्लासीफायर कहते हैं फॉर फेस, फॉर फ्रंट फेस, बैक फेस भी तो होता है ना, कि बैक से कैसा होगा। अभी इसके साथ आप दूसरा प्रोजेक्ट खुद करोगे कि पूरे इंसान को कैसे डिटेक्ट करना है, ठीक है, उसका क्लासीफायर अलग है, उसकी भी बात करते हैं अभी। अच्छा, आपने बनाया वेरिएबल, उस वेरिएबल में उस क्लासीफायर को कॉल कर लिया, सिंपल इमेज देनी है। अब आप मुख्तलिफ इमेजेस यहाँ पे शो कर सकते हो, पहले मैंने जो रेफरेंस दिया है यहाँ पे वो जो लेडी वाली इमेज है वो आपने मुख्तलिफ यहाँ पे खुद से चेक करनी है कि सेल्फी में किस तरह से काम करेगा, ग्रुप सेल्फी है उसमें किस तरह से काम करेगा, या अपनी जो आपकी फोटोज़ हैं आपके मोबाइल में वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इमेज आपने रीड करनी है, तरीका वही है जो मैंने यहाँ समझाया कि इमेज को रीड किया, उसको एक नाम दे दिया, उसके बाद इस पिक्चर को कन्वर्ट करना है ग्रे स्केल में। ये करना क्यों ज़रूरी है, ये ऑप्शनल स्टेप होता है वैसे,
लेकिन अगर आप जो ओरिजिनल पिक्चर ऑब्वियसली वो कलर फॉर्म में ही होगी, ठीक है, उसको ग्रे स्केल में एक दफा कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ग्रे स्केल में कन्वर्ट जब करोगे ना तो इस क्लासिफायर के लिए फेस के लैंडमार्क्स को ढूंढना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ऑप्शनल स्टेप होता है, आप नहीं भी करोगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन कर लो, हो सकता है जब ग्रुप सेल्फी, जब आपके सामने जो मैंने दी है ना ग्रुप सेल्फी भी दी है, तो उसमें चार लोग खड़े हुए हैं, हो सकता है कि जो पांचवा बंदा है वो इतना विजिबल नहीं है, तो उसकी डिटेक्शन ना हो। तो ये चीज़ इसलिए करना ज़रूरी है कि जो ओरिजिनल इमेज है उसको एक दफ़ा ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने का तरीका वही है जो मैंने यहाँ बताया आपको, ठीक है। क्या करोगे, सी वी टी कलर इमेज का रेफरेंस जो ये इमेज है, और आगे सी वी कलर बी जी आर टू ग्रे, कन्वर्ट हो गई है, इसको एक रख दिया वेरिएबल ग्रे में, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अगला होता है बेसिकली कि हमने अपने फेस के कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। फेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये चेहरा है, इसके ये चार कोऑर्डिनेट, यानी ये चारों पॉइंट्स, ये कहलाएंगे फेस कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि पहले ये मिलेंगे तभी तो वो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा ना, ऐसे कैसे करेगा। तो वो ढूंढने के लिए हमने एक बनाया वेरिएबल खुद से फेस कॉर्ड का, आगे उसी ट्रेन डेटा को जो हमने यहाँ बनाया था उसमें एक आपके पास एट्रीब्यूट है डिटेक्ट मल्टी स्केल, और यहाँ पे वो इमेज दे देंगे जिसको हमने ग्रे में कन्वर्ट किया है, क्योंकि इसी पिक्चर में से ढूंढेगा ना। आप डायरेक्ट ये वाली पिक्चर भी दे सकते हो, लेकिन मैंने आपको बताया पहले ग्रे स्केल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करने के बाद फिर जो है वो उसके फेस कोऑर्डिनेट ढूंढो, ठीक है। तो इसके जरिए वो हम ये काम कर सकते हैं, और उसके बाद डिटेक्शन से पहले हम एक दफ़ा कहते हैं कि दिखा दे कि फेस कोऑर्डिनेट्स क्या मिले हैं उसको, वो कोई नंपाई अरे होगी आपके पास जो आपको वो शो करवाएगा। एक मैंने ज़रा लाइन का गैप दिया बीच में बैक स्लैश आर के जरिए, और उसके बाद उसकी लेंथ ही बताएं, फेस कोऑर्डिनेट की लेंथ, यानी अगर आपके पास कोऑर्डिनेट्स जो उसको मिले हैं, लेट से 171 कॉमा, चार पॉइंट्स होंगे, ठीक है, चार पॉइंट्स ही होते हैं ना, एक ये वाला पॉइंट होगा, एक ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा ये, तो इन चार पॉइंट्स की एक अरे बना देगा वो यहाँ पे इसके जवाब में, ठीक है। एक लाइन का स्पेस दिया मैंने, और उसके बाद उसकी लेंथ, यानी एक फेस फाउंड हुआ है, चार कोऑर्डिनेट्स का मतलब कि उस पिक्चर में एक फेस मिला है उसको, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ फेसेस आपको क्या मिलेगी, लेंथ ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ फेसेस, तो नंबर ऑफ फेस आपको एक मिला है। असल में ये तरीका होता है, अगर आपने कोई वैल्यू जो आपके पास आ रही हो ना पीछे से इसमें इंटीजर में, उसको किसी स्ट्रिंग वैल्यू के साथ अटैच करना है, तो दो तरीके हैं, पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दो, बेसिक पाइथन है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक तरीका ये होता है कि आप फ्लोट एफ, फ्लोट का एफ लिखो और यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दे दो, और उसके अंदर जो वैल्यू आप पास करोगे उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि उसको अलग से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होगी आपको, वो दोनों वैल्यूज को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देगा। ये बेसिक पाइथन है, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। तो मैंने क्या किया है, जो लेंथ ऑफ फेस कोऑर्डिनेट्स हैं उसको फाइंड किया है, और उसको कहा है कि नंबर ऑफ फेसेस कितने मिले हैं उसको, एक मिला होगा, अगर सेल्फी तो ज़्यादा मिल जाएंगे, वो मैंने तीन चार आपको पिक्चर्स दी हैं उसके हिसाब से। यहाँ तक समझ आया, कोई परेशानी? देखो एक काम ज़रा ख्याल करना, इस वाले जो प्रोजेक्ट को ना सिंगल सेल में परफॉर्म करना, अलग अलग नहीं करना, यानी आपने पहले ये लिखा, थोड़ी सी स्पेस दी, फिर यही लिखा, यानी रन एक साथ ही कर लेना यहाँ तक, अनटिल आपके डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद फिर आगे क्या करना है, उस फेस कोऑर्डिनेट को हमने रेक्टेंगल बनाना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप लगाना क्यों ज़रूरी है, कि अगर एक पिक्चर में चार लोग खड़े हैं तो फिर तो फॉर लूप जो है लाजमी है। अगर सिंगल आपको पता है एक पिक्चर है उसमें एक ही बंदा खड़ा है, तो फॉर लूप ना भी लगाओ, जस्ट यहाँ से स्टार्ट कर लो सी वी डॉट रेक्टेंगल से। लेकिन फॉर लूप में क्या करेगा, वो सबके जो रेक्टेंगल्स हैं उनको फॉर लूप लगा के एक साथ डिटेक्ट कर लेगा। तो इसलिए फॉर लूप लगाना यहाँ ज़रूरी है। एक्स बाय डब्ल्यू एच, ये क्या है, ये चारों कोऑर्डिनेट्स हैं ये वाले, ठीक है। इन चारों कोऑर्डिनेट्स को उसने किस में ढूंढा, फेस कॉर्ड में। फेस कॉर्ड क्या है, ये है जो हमने फेस के कोऑर्डिनेट्स निकाले थे यूजिंग ट्रेन डाटा, किस पे, ग्रे इमेज पे, ठीक है। और उसमें क्या किया, आगे हमने उस लूप में सी वी डॉट रेक्टेंगल कर दिया। रेक्टेंगल में क्या क्या आर्गूमेंट पास किए, पहले तो इमेज, अच्छा ग्रे स्केल में हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे, लेकिन हम चाहते हैं जो उसका रेक्टेंगल बने फेस डिटेक्शन का वो ओरिजिनल इमेज पे बने। ओरिजिनल इमेज कौन सी है, जो मैंने यहाँ रीड करवाई थी, ठीक है। ओरिजिनल इमेज का रेफरेंस दिया एक्स वाई, ये दोनों कोऑर्डिनेट, और ये वाले आगे उसके हाइट और विड्थ, यानी अगर जो एक्स मिलेगा उसको उसमें वो क्या करेगा, डब्ल्यू ऐड कर देगा, और वाई जो मिलेगा उसमें एच ऐड कर देगा,
और इसी तरह से ये आपका रेक्टेंगल कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और आगे ये क्या चीज़ है, कलर, रेक्टेंगल का कलर मैंने इस टाइम कौन सा लिया है, BGR ग्रीन है, ठीक है। तो यहाँ पे वो ग्रीन बेसिकली आपके सामने रेक्टेंगल आएगा। और दो क्या है, थिकनेस, कि कितना उसकी लेंथ की जो लाइन है उसकी थिकनेस होनी चाहिए। और आगे क्या है, ये तीनों वही लाइन है जो हम बार बार कर रहे हैं कि शो करवाए, विंडो ओपन होगी, विंडो का नाम खुद ही रख दिया हमने फेस डिटेक्शन, और आगे इमेज का रेफरेंस पास कर दिया है। वेट की किस लिए है, स्कीप का बटन दबाओगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा और डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। मुश्किल नहीं है, आसान सा ही है। और इसमें सारी पिक्चर आपने देनी है जितनी मैंने आपको दी है, अपनी भी दे सकते हो ताकि वो डिटेक्ट करके दिखाए। हो सकता है कि किसी गलत जगह ही बना दे वो, तो उसका मतलब भूत नहीं होगा ऑब्वियसली, उसमें वो 100% एक्यूरेसी नहीं होती। और ये काम आपने करना है। तो मैंने यहाँ लिखा भी है कि टेस्ट अब प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट इमेजेस, एक टास्क ये है, एक टास्क है कि पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन अब आपने करनी है। ये क्या होती है, इसका कोई मुश्किल सा नाम है, इसका आसान सा मतलब ये है कि पूरा पर्सन डिटेक्ट करना है आपने, कि एक पिक्चर है उसमें बंदा खड़ा है, ठीक है, और वो कितने बंदे खड़े हैं, तो उसकी पूरी डिटेक्शन आप करोगे, ठीक है। तो एक पिक्चर मैंने आपको आखिर में दी है जिसमें चार लोग खड़े हुए हैं लेकिन कंप्लीटली खड़े हुए हैं, उनके खाली फेस नजर नहीं आ रहे, तो वो भी आपने इस काम के लिए यूज करनी है। इसके लिए जो क्लासिफायर यूज होगा उसका नाम है हॉग, HOG, ठीक है। इसके लिए कौन सा यूज हुआ था, फ्रंटल फेस, ठीक है, उसके लिए यूज होगा हॉग, HOG, ठीक है। तो वो क्लासिफायर आपको मैंने नहीं दिया डॉट एग्जाम्पल की फॉर्म में, वो CV के अंदर बिल्ट इन है, पहले से मौजूद है, ठीक है। ये मैंने आपको जो PDF फाइल सेंड की है उसके अंदर आखिरी नंबर पे ये वाला प्रोजेक्ट हुआ हुआ है। सारा तरीका सेम है, बस उस क्लासिफायर को कैसे कॉल करना है वो डिफरेंट है, बाकी सारा तरीका सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। वो PDF में लास्ट में वो चीज़ मौजूद है, तो तरीका सेम है। आप दो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हो और CV में अपनी लिख सकते हो, जो मेन आपकी CV है, यानी ये वाली CV नहीं, जो आपकी रेज्यूमे है उसमें ये चीज़ लिख सकते हो कि आपने फेस डिटेक्शन की है या रिकॉग्नाइजेशन यूजिंग ओपन CV और पेडिस्टेरियन डिटेक्शन, यानी जो चलने वाले लोग होते हैं उनकी बात की हो रही है, तो वो भी आप अपनी CV में लिख सकते हो। तो ये दोनों प्रोजेक्ट आप बनाओ, बाकी चीज़ें प्रैक्टिस करो, तो आपको ओवरऑल आइडिया समझ आ जाएगा, ठीक है।